के काम, चाहे कोई सरकार में हम हैं, मगर जब तक हम सब मिलकर एक समाज और सरकार दोनों मिलकर काम नहीं करते, तब तक ये काम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। निस्संदेह आज बहुत सारी जरूरतें हमारे समाज की हमारे सामने एक बहुत बड़ा चुनौतियों के रूप में भी खड़ी है, मगर हमें उसके दूसरे रूप में भी देखना चाहिए कि आज देश के प्रधान राष्ट्रपति जी अगर हैं तो वो भी हमारे समाज से और हमारा नेतृत्व करते हुए वो आगे इस मुकाम पर बढ़े। आज हम अगर किसी को अपने भगवान से भी बड़ा किसी को देखते हैं तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। आज हम अगर कोई भी किसी भी स्थिति में है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है, ये हम सबको मानना चाहिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय के अभाव ही रहेगा, मैं सर एक बात करके अपनी बात को समाप्त भी करूँगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से मैंने एक ही बात सीखी है कि अलग अलग नज़रिया रहता है, मगर जो मैंने उनमें से देखा है कि वो जब तक जीवित रहे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने आखिरी सांस तक इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए वो अपना सारा जीवन दिया, और उन्होंने इस बात की कभी परवाह नहीं की कि जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि देश के लिए उन्होंने अपना पूरा विदेशों में अपॉर्चुनिटी को छोड़कर यहाँ देश के लिए काम करने के लिए आए, और समाज के लिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया तो हम सब जानते हैं, मगर जब तक जीवित रहे ना तो इसके देश ने उनकी पहचान की ना अपने समाज ने, मगर उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। और उन्हीं से यही सीखने की ज़रूरत है कि हमारे साथ कोई चलता है नहीं चलता है, मगर आज हम बहुत सारी अच्छी पोजिशनों पर हैं, कोई साथ चले ना चले, मगर हम उन्हीं की तरह अपने इस समाज के लिए इस देश के लिए काम करते रहें, ये बहुत बड़ी उनसे सीख जीवन में। और मैं धन्यवादी हूँ भारत सरकार का, विशेष रूप से माननीय मोदी जी का, जिन्होंने उनके 125वें जन्मदिन पर, जैसे अभी अटवाल जी कह रहे थे कि उनको सिर्फ अनुसूचित जाति का ही एक नेता के रूप में मिला, मगर तीन दिन की जो दो दिन की डिबेट पार्लियामेंट में राज्यसभा उसमें लोकसभा में हुई, उसने साबित कर दिया कि वो देश को बनाने वाले सबसे बड़े अगर देश के निर्माण आज हम देश का बैंक होना चाहिए RBI है, और वो अगर है तो डॉक्टर बाबा जी की सोच पे देश का एक पावर ग्रेड नेशनल ग्रेड होना चाहिए, ये अगर सोच है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, देश के लिए अगर डैम बने तो उनकी सोच के ऊपर। आज आर्थिक दृष्टि से जितनी भी हम समस्या देखते तो उनको अगर सुलझाने का तरीका अगर किसी ने बताया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। सो आज मैं उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम सरकार की ओर से एक सम्मान सम्मान भी मिला, और ज़रूरत आज है कि आज हम सब कहीं ना कहीं सभी अच्छी पोजिशनों पर, और ये सब हम मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत है, मगर अब ज़रूरत है कि हमने तो जो कुछ लेना था लिया, अब हम समाज को क्या दें, और हम समाज को देने के लिए जितना कुछ आगे बढ़े उसमें कहीं मेरी भी साथ है क्या, मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को भी भाग्यशाली समझूंगा, और मैं अपनी सेवाएँ सभी ST फॉरम को जितने भी हैं उनको कहीं भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूँगा। विश्वासों के साथ आप इंटरनेशनल डॉक्टर बाबा अम्बेडकर कंक्लेव शुभ और आराम पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ, और इसमें से जो भी अच्छा निकल के आए उसके लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि चर्चा चलेगी दो दिन के कार्यक्रम में, कुछ ना कुछ और बढ़िया निकल के आएगा, और उसमें कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी वो हम आपके साथ हैं। बाकी सरकार इस विषय पे क्या करे, क्योंकि मेरे सीनियर मंत्री थावरचंद गहलोत जी सरकार की ओर से हमारा मंत्रालय क्या क्या कर रहा है वो मैं चाहूँगा कि वही बताएं, और उनके मुख से ही हम सुनें